अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। ये आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं कि आपका जो केयर होम या होम केयर है वो CQC से रेगुलेट है या नहीं, उनके साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, और वो कौन सी वेबसाइट है जी जहाँ से आप जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है जिसके जी कॉज के लिए अप्लाई किया हुआ है होम ऑफिस, तो वो जो है अभी तक उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव है या नहीं है, यानी कि उसके पास लाइसेंस है या जी UK जो होम ऑफिस है उन्होंने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया है। तो जी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं ये अपने हर व्लॉग में हर वीडियो से आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आप लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह के जी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी ताकि किसी ना किसी की जी किसी भी तरह से हेल्प हो सकती है, तो मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जैसा कि आप सबको पता होगा जी, पिछले कुछ अरसे से जो कॉस हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि इशू हो ही नहीं रहे, कुछ लोगों को इशू हो भी रहे हैं और जिन लोगों को इशू हो रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल चेक करने के बाद जी उनको जो कॉस है वो इशू हो रहे हैं, और जो जिनको इशू हो रहे हैं जी वो यही बता रहे हैं कि उनसे डिटेल क्या ली जा रही है, क्या डिटेल चेक करने के बाद जी उनको कॉस इशू हो रहे हैं। तो सबसे पहले जी वो यही कह रहे हैं कि होम ऑफिस सबसे पहले तो ये चेक कर रहा है कि आपका जो केयर होम है ना वो जो है जी वो उसका लाइसेंस करंट अभी एक्टिव है या नहीं है, उसका कैंसिल तो नहीं कर दिया गया या रिवोक तो नहीं कर दिया गया, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक की जा रही है चीज़ें। दूसरा जी आपका जो केयर होम है वो CQC से रेगुलेट है या नहीं, यानी कि CQC के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, ये बहुत, और ये दोनों जो है ये बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी जो वो ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जी होम ऑफिस ने बहुत सारे केयर्स होम के, जैसा कि आपको पता होगा, केयर होम होम केयर्स के जो लाइसेंस है वो रिवोक किए हैं, उनको बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो उससे पहले भी जी जिन लोगों को कॉस इशू हो गए हुए थे उसकी बेस के ऊपर लोगों के वीज़े लग गए थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी सारों का एयरपोर्ट के ऊपर पता चल रहा है, तो उनको जी वापस भेजा जा रहा है। तो इस तरह की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है इस वजह से जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है, उसके बाद कॉस इशू किए जा रहे हैं कि ये स्पेशली ये दोनों चीज़ें कि वो केयर होम जेन्युइन है, उनके लाइसेंस उनके पास हैं और वो CQC से रजिस्टर्ड हैं या नहीं। ये तो कॉस के लेट होने की वजह मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसके अलावा जी बहुत सारे लोगों के जो है ना वीज़ाज़ वो भी डिले हो रही हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के बताऊँगी उसके अंदर क्या रीजंस है वो क्यों डिले हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी आप कैसे चेक कर सकते हैं UK गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि केयर होम जो है जी उसके पास लाइसेंस है उस लिस्ट के अंदर है या नहीं, जो UK गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपका केयर होम, और दूसरा ये कि CQC के साथ वो रजिस्टर है या नहीं आपका जो भी आपका केयर होम है होम केयर है। तो मैं आप लोगों को जी बताती हूँ ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ जी कहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपका कौन सी वो वेबसाइट्स है कि आपका एम्प्लॉयर जो है उसका कंपनी जो है वो रजिस्टर है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर्स। ये अभी आज ही 23 जनवरी 2024 को अपडेट की है, UK गवर्नमेंट इसको डेली बेसिस पे चेक कर रही है, अपडेट कर रही है। जब तक आप UK आ नहीं जाते आपने ये लिस्ट डेली बेसिस पे चेक करते रहना, जो जो भी आपके केयर होम के एम्प्लॉयर्स के नाम है वो इसमें है या नहीं है, इसके ऊपर आपने स्पेशल नज़र रखनी है, क्योंकि बहुत सारे जो केयर होम होम केयर हैं वो उनको कॉस इशू होने के बाद भी जो है वो उनके जो है रिवोक किए जा रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, तो अपनी ने इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और दूसरा आपने ये भी देखना है कि ये CQC के साथ भी आपका जो होम केयर या केयर होम है वो है या नहीं है। तो इसके लिए जी आपने ये करना है गूगल के ऊपर जाके CQC UK लिखना है या केयर क्वालिटी कमीशन लिख के UK चेक करें, उसकी वेबसाइट आ जाती है, तो आपने जी वहाँ से जाके ये इस तरह का फेज आ जाएगा, वहाँ से आपने जी नाम एंटर करना है आपके केयर होम होम केयर का, यहाँ पे आपने जी नाम जो है उसका टाइप करना, उसके बाद जब आप गो करेंगे यानी कि उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जी जो भी होगा उसका रिजल्ट आ जाएगा इधर आपको ना पता चल जाएगा, अगर हुआ तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपने नाम बस सही टाइप करना है। और मैं जो UK की वो स्पॉन्सर लिस्ट है उसकी वेबसाइट का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और केयर क्वालिटी कमीशन का भी। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेशन